खूबसूरत मेलोनी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन उनके ऊपर इन दिनों मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कभी जॉर्ज सोरोस का गम तो कभी ब्रेकअप का गम, और अब देश में जो मुसीबत का बादल फटा है उसका अलग गम। बला की खूबसूरत मेलोनी चारों तरफ से परेशानियों से घिरी हुई है। इस बार किस मुसीबत में वो फंसी है, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल दुनिया तेजी से बूढ़ी होती जा रही है। चीन जापान जैसे देश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब इटली भी इसी लिस्ट में शामिल हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां बच्चों का पैदा न होना। रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली में बीते 3 महीनों से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। ये परेशानी इतनी बड़ी है कि वहां की पीएम इसे एक नेशनल इमरजेंसी की तरह देखती है। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट मीडियम की एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली ने बीते दिनों एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। हालांकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड खुश होने लायक नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक देश तेजी से बूढ़ा हो रहा है। दरअसल इस रिपोर्ट की माने तो इटली में पिछले 3 महीनों के भीतर एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, जबकि रॉयटर्स लिखता है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ISTAT के आंकड़ों के मुताबिक इटली में जनवरी 2023 से जून 2023 तक जितने बच्चों का जन्म हुआ वो जनवरी 2022 के बीच जन्मे बच्चों की तुलना में 3500 कम है। रिपोर्ट्स में जो बात सामने निकल कर आई है उसमें इसका प्रमुख कारण 15 से 49 साल की उम्र की महिलाओं की कमी है। यानी इटली में प्रजनन योग्य माने जाने वाली महिलाओं की कमी हो गई है, जिसकी वजह से समस्या खड़ी हो गई है। ऐसी महिलाओं की संख्या 2021 के मुकाबले 2023 में कम हुई है। इटली का मामला कितना गंभीर है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि वहां की पीएम जॉर्जिया मेलोनी इसे नेशनल इमरजेंसी के तौर पर देखती हैं। पिछले साल अपने चुनावी अभियान में भी उन्होंने इस बड़े मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स कहती हैं कि पिछले साल हर 7 बच्चों के जन्म पर 12 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई थी। सीधी भाषा में आपको समझाऊं तो वहां अगर एक दिन में 7 बच्चों का जन्म हो रहा है तो उसी दिन 12 लोगों की मौत हो रही है। इसका मतलब है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वहां की आबादी तेजी से कम हो जाएगी, और ये मेलोनी के लिए बहुत ही गंभीर समस्या का विषय बना हुआ है। मेलोनी की समस्या पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।